नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक केसरवानी। आप देख रहे हैं ऋतिक केसरवानी, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बुक्स, माय लाइफ, फाइनेंसेस, माय एंटरटेनमेंट विच इज़ गेमिंग, मूवी रिव्यूज़ एंड बैक टू बैक। ये दूसरा रिव्यू आ रहा है, ये मूवी का रिव्यू नहीं है, ये एक सीरीज़ का रिव्यू है। मैंने कल ही दहाड़ कम्प्लीट की है, नो दो दिन लगे मुझे, मैंने टाइम निकाल के उसको कम्प्लीट किया है, बिकॉज वो स्टोरी काफ़ी ग्रिपिंग थी। वो जो सस्पेंस बना के रखा था, वो कंसिस्टेंसी जो थी वो सीरीज़ में, टोटल 8 एपिसोड है, हर एक एपिसोड 40 मिनट का है, मैंने फिर भी टाइम निकाल के देखा है, तो अच्छी तो है सीरीज़। यू नो, एक अच्छा सस्पेंस बना के रखा है, यू नो CID टाइप स्क्रिप्टिंग है थोड़ी, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो आगे जाके क्रिमिनल बनता है उसके शॉट्स अलग लगते हैं, जो एकदम साधारण सा दिखने वाला आदमी है, साधारण है भी। एंड वो जो सोनाक्षी सिन्हा का रोल है पुलिस का, उनका पुलिस का ड्रामा अलग चालू, उनका फैमिली ड्रामा अलग से चालू स्टार्टिंग में, एंड बाद में जाके जब वो क्राइम होने लगते उस गांव में, तब थोड़ा कनेक्शन बैठने लगता है कि शायद यही कुछ कर रहा होगा जिसके अलग से कुछ शॉट्स चल रहे हैं। एक्टर का मैं नाम नहीं जानता, वो काफ़ी फेमस है एंड उनको काफ़ी देखा भी है मैंने, बट मुझे नाम नहीं पता। तो यस, बाद में जाके उनका कनेक्शन बैठता है कि यही हो सकता है, क्योंकि वो अलग अलग फ़ोन से बात कर रहा है, किसी से भी बात कर रहा है, किसी भी लड़की से, एंड उनको मिलने बुला रहा है, शादी के वादे कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें चालू है, बहुत घपला कर रहे हैं, एंड वो एकदम साधारण सा आदमी है सोसाइटी के लिए, बस उसके बाद उसकी अलग दुनिया है, एंड उसका भी कारण है जो आखिर में पता चलता है सीरीज़ में, वो बता नहीं सकता, बट हाँ मज़ा आ गया। बस एक ही चीज़ की कमी लगी थोड़ा सीरीज़ में, हाँ इसमें गाली गलौज ज़्यादा है नहीं, वो मैं बता दूँ, ठीक है। एंड एक वुमन एम्पावरमेंट भी है, कि उस गांव में ऐसी सोच है कि अगर लड़कियों की शादी नहीं हुई तो लड़कियाँ बर्बाद हो जाएंगी, तो ऐसी सोच चल रही है उस गाँव में, एंड उसी को गलत ठहरा रही है सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर अंजलि भाटी, जो बाद में अलग ही हो जाती है, उसका सरनेम चेंज कर देती है वो खुद ही जब वो क्रिमिनल पकड़ा जाता है। स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, वो आप जब देखोगे तब पता चलेगा कि कैसे क्यों वो करती है ऐसा, बिकॉज कुछ तो है ना। वो एक अच्छा लगा कि वो सस्पेंस बना के रखा है, बट थोड़ा सा स्पीड अप करना चाहिए था, जो फैमिली ड्रामा दिखाया जा रहा है वो थोड़ा कम कर देता ना तो और मज़ा आता, या फिर थोड़ा एक्शन सीन्स ही दिखा देते यार तो और भी मज़ा आता। सोनाक्षी सिन्हा तो एक्शंस करती है, आखिर उनकी मैंने देखी है, तो कर भी सकते थे, बट क्या पता उन्होंने नहीं रखा है वो चीज़। एंड एक डिसेंट सी है, वन टाइम वॉच में कहना चाहूँगा, बट अच्छी है, सस्पेंस बना के रखा है, थ्रिल बना के रखा है, थ्रिल तो ज़्यादा नहीं है बट सस्पेंस अच्छा खासा बना के रखा है, एंड स्टोरी राइटिंग बहुत ही अच्छे से की गई है, एंड सभी लोगों ने जो एक्सेंट पकड़ा है ना बॉस, हर एक कैरेक्टर ने, वो जो राजस्थानी एक्सेंट है, ये जो अणा निकला ना मेरा, ये उसी से निकला है, तो वो तो बहुत ही बढ़िया है, एंड सबकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। अच्छा लगा मुझे सीरीज़ देख के, एंड इतना थोड़ा और स्पीड अप करते हैं तो और ज़्यादा थ्रिल पैदा होता, थोड़ा और अच्छे से डायरेक्ट करते तो और थ्रिल पैदा होता। बाकी तो यार वन टाइम वॉच है, मैं इसको 4 out of 5 stars देना चाहूँगा, अच्छी सीरीज़ देखनी चाहिए। एक वुमन एम्पावरमेंट भी है उसमें, एक स्टोरी टेलिंग भी है, एक भद्दी सी सोच के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, एंड फैमिली ड्रामा भी है थोड़ा बहुत, तो देखनी चाहिए, अच्छी फिल्म है। हाँ एक बात कहना चाहूँगा कि एडल्ट सीन्स काफ़ी ज़्यादा है तो उसका ध्यान रखना, ओके, बाकी और तो ऐसा कुछ है नहीं, एंड बाकी मज़ा बड़ा आता है, कुछ जिस तरह से वो स्टोरी चलती रहती है ना, अच्छा लगता है देखने में। हम लोग सीरियल कैसे देखते हैं रोज़, हम लोग तो नहीं देखते थे पहले, तारक मेहता जैसे देखते थे, वैसे टाइप का थोड़ा सा लग रहा है, बट थोड़ा और पेसअप कर सकते थे, एंड थोड़ा सा कमी लगी वो डायरेक्शन की, वो स्टोरी टेलिंग की, कि कुछ तो मिसिंग लगा, बस यही कहना चाहूँगा। बाकी वन टाइम वॉच है यार, अच्छे से देख सकते, मैं देख ही रहा था आजकल, काफ़ी लोग ट्रेन में देखते रहते दहाड़ को, दहाड़ सीरीज़ देखते रहते, तो अच्छी चल रही है, बस टॉप पे चल रही है अभी तो, एंड वर्थ इट है टाइम के लिए, ऐसी बात नहीं है कि वर्थ इट नहीं है,
तो रेकमेंड तो करो, ज़रूर करूँगा, जिसके पास भी प्राइम है देख लो, मज़ा आएगा। एंड बस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।